दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप पर किसी की चैट देखना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल के अंदर, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड, या फिर आपके बच्चों के पास मोबाइल है ना, आप पता लगाना चाहते हो कि व्हाट्सएप पर वो किसके साथ क्या चैट कर रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा कमाल का एक फीचर बताऊंगा, बिना किसी एप्लीकेशन दोस्तों आपके व्हाट्सएप के अंदर है, उससे आप 1 मिनट के अंदर पता लगा सकते हो और चैट देख सकते हो, वो भी अपने मोबाइल के अंदर लाइव आप चैट देख सकते हो कि आपका बच्चा या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसके साथ व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, किसके साथ ऑडियो कॉल वीडियो कॉल बातें क्या करते हैं। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं, बिना किसी एप्लीकेशन दोस्तों आप व्हाट्सएप पर देख सकते हो, वो भी दोस्तों आज मैं आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को आप अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर फॉलो। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो तो दोस्तों व्हाट्सएप के लिए आप सभी के लिए ये फीचर सबसे ज्यादा यूजफुल है, काम आने वाला। दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप अपने फैमिली मेंबर या बच्चों किसी पर अगर आप ध्यान रखना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो कि व्हाट्सएप पर वो किसके साथ चैट कर रहे, किसके साथ बातें कर रहे, अगर आप जानना चाहते हो तो दोस्तों आप व्हाट्सएप के अंदर आ गया है कमाल का फीचर। अब दोस्तों आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको टाइप करना है व्हाट्सएप और आप अपने व्हाट्सएप को एक बार अपडेट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप के अंदर आ गया कमाल का फीचर। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज से आप काम ले सकते हो। दोस्तों यहां देखिए, अगर आप पता लगाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले तो व्हाट्सएप को अपडेट कर देना, चाहे आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर हो या फिर बीटा वर्जन हो, कोई सा व्हाट्सएप यूज करें। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ 3 डॉट का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको सेटिंग वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाए। दोस्तों अगर आप लाइव प्रूफ मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कि आप चैट कैसे देख सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो, बाकायदा आसान तरीके से व्हाट्सएप के अंदर कमाल का फीचर। दोस्तों यहां आपको ऑप्शन मिलता है चैट का, चैट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, चैट बैकअप का मिलता है, चैट ट्रांसपोर्ट का और एक चैट हिस्ट्री का भी ऑप्शन आपको मिलता है। दोस्तों कई लोग आपको अलग अलग तरीके से बता दे कि कोई कह रहे चैट बैकअप में चले जाना, कोई कहते हैं आप चैट ट्रांसपोर्ट में, चैट ट्रांसपोर्ट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ दोस्तों देखिए ओल्ड मोबाइल टू न्यू मोबाइल के अंदर ऑप्शन मिलेगा, और चैट हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो भी दोस्तों वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। परंतु दोस्तों आपको यहाँ क्लिक करना है चैट बैकअप वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ जो जो मैं बता रहा हूँ वो सेटिंग आपको पहले करनी। दोस्तों यहाँ आपको क्या करना, नीचे देखिए दो ऑप्शन मिलता है इंक्लूड वीडियो, और ये 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे, इन दोनों को आपको इनेबल करना सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर, और इनेबल करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना, यहाँ देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ देखिए आपको ऑप्शन कई ऑप्शन मिलते हैं, नियर मिलते हैं, वीकली मिलते हैं, डेली मिलते हैं या मंथली मिलते हैं, जो भी आप चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या सेलेक्ट करना है, नियर या फिर डेली, डेली वाला अगर सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों रोजाना का जो बैकअप है वो आपको मिलेगा, यहाँ डेली वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ एक ऑप्शन मिलता है जीमेल का, क्या जीमेल दूसरे का डालने पर बैकअप आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। आप यहाँ दोस्तों देखिए जीमेल जो दिखाई दे रहा है इस जीमेल को चेक करना, ये जीमेल आपका है या फिर दूसरे का, अगर यहाँ किसी दूसरे का जीमेल है तो दोस्तों उस जीमेल पर आपका जितना भी बैकअप है वो सारा का सारा उस जीमेल पर जा रहा है, जो जीमेल आपने यहाँ किसी ने गलती से डाल दिया या आपसे मोबाइल लेके किसी ने डाल दिया तो आपको चेक करना है। जो जीमेल दिखाई दे रहा है इस जीमेल के अंदर जीमेल आपका खुद का होना चाहिए, अगर जीमेल आपका नहीं है तो दोस्तों आपकी प्राइवेसी है बिल्कुल लीक हो रही है, तो आप किसी को मोबाइल दे रहे हो तो वापस लेते वक्त चेक करना है कि यहाँ किसी ने जीमेल तो दूसरे का नहीं डाल दिया, अगर डाल दिया है तो दोस्तों आपको क्या करना, वो जीमेल आपको तुरंत यहाँ से लॉग आउट करना, लॉग आउट नहीं करोगे तो दोस्तों आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल लीक हो जाएगी। दोस्तों इस फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय है, फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए, मेरे को दीजिए इजाजत, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।